नाजीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अज़ा हुसैन याफ़ी। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही हसास भी है और बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस टॉपिक के ऊपर लोग बात नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, या इसको इस नौत से बयान नहीं किया जाता जिस नौत का बयान होने की इसकी ज़रूरत है। तो मेरे साथ हज में मामूल की तरह हमारे मेहमान सैयद अहमद अजीज, कैसे हैं उन भाई? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। उन भाई, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह, और मैं चाहूँगा इसको डिटेल के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा उसको आज डिस्कस करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते, लोग घबराते हैं इसके ऊपर बात करने के लिए। हालांकि तमाम घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी मौजू पर गुफ्तगू की जा सकती है और उसमें अकली और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन अगर उसको रखी जाए और अकली तौर पे उस पर बात की जाए, बिल्कुल, तो कोई भी मौजू बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे कि नाज़रीन को पता है कि हमारा लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से एक सीरीज का आगाज हुआ है, तो ये भी उसी की तेल के अंदर एक टॉपिक हम लेकर आए, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल, हम लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाल्लाह, मगर उसी के साथ साथ हम जो मुआशरे में पाई जाने वाली जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, रूहानी, नफ्सियाती या मुआशरती या मुआशी, जो भी चीज़ें हमारे सामने, हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आई थिंक एक बहुत क्रूशल, बहुत इम्पॉर्टेंट और ये एक ऐसा मसला है कि इसकी जो ग्रेविटी है उसने सबको अपने शिकंजे में ले रखा है, ठीक है ना? तो हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस जैसा कि आपने बताया कि बहुत अहम मौजू, और वो है मौजू वालिदैन और बच्चों के दरमियान, वालिदैन या औलाद के दरमियान एक जो कम्युनिकेशन गैप है और जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है करंट, खास तौर पर बर सगीर पाक व हिंद में, हमें उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। ना ही ये पहली गुफ्तगू है और ना ही आखिरी, ऐसे मौजूदात पर मुसलसल नशस्तें होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, और तमाम तर जो पहलू हैं एक उस मसले के उनको नजर में रखते हुए बात होनी चाहिए। और जैसा कि अब हमने पहले सिर्फ कुरान मजीद के तीन अल्फाज पर हमने गौर किया था, तफक्कुर, तअक्कुल और तदब्बुर, तो हम कोशिश ये करें कि तफक्कुर करें, ये पहली स्टेज है इस मसले पे। दूसरा तअक्कुल यही है कि जो चीज़ सही मिल जाए उस पर हम तारबंद हो जाएं, ठीक है ना, मुत्तफिक हो जाएं, उस पर अमल पैरा हो जाए। और तदब्बुर ये कि अब वो हम करेंगे, तदब्बुर और तफक्कुर यहाँ होगा, हम 360 डिग्री एंगल से इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये यहाँ मसला क्या है। तो बच्चों यानी औलाद और माँ बाप के दरमियान, वालिदैन के दरमियान जो मुश्किलात इस वक्त बरसगीर पाक व हिंद में चल रही हैं, उसको समझने के लिए पहली बात तो ये कि देखें कुछ नतायज हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं कि वालिदैन में और बच्चों में, इनके औलादों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी है। बच्चे जो हैं वो मुतमईन नहीं है माँ बाप से, वालिदैन कहते हैं हम बच्चों से मुतमईन नहीं हैं, दोनों तरफ गैर इत्मीनानी की कैफियत, ठीक है ना, और रابطے ही कम है, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, एक दूसरे से, क्योंकि वो बात हो नहीं पाती। हाँ, ये तो रابطہ तो एक ही चीज है, इसके अलावा दसियों मसले और बीच में चल रहे हैं। अच्छा, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम इसकी इल्लत पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने पहले तफक्कुर पे बात करनी है ना कि भाई ये मसला क्या है और क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, उसको समझने की हमें कोशिश करनी है। तो सबसे पहली चीज जो है जिसपे मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि हमें यह समझना होगा कि हम इस बरसगीर पाक व हिंद के रीजन को समझें। ये रीजन वो रीजन है कि जिसमें अगर हम तारीखी अतबार से देखें तो यहाँ पे 4000 साल से हिंदू आबाद, जैसे कि फारस में जो है वो ईरानी आबाद है ना, और यहाँ पर जिनको फारसी निजात कहा जाता था, ईरानी तो हम इसी बोलते हैं कि अब एक लफ्ज ईरान के कंट्री के तौर पर मशहूर हो गया, लेकिन पहले वो फारसी निजात थे जिनकी जबान फारसी थी, और यहाँ इस रीजन में जो कि सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू आबाद थे। 4000 साल तारीख दोनों तहजीबों की है, फारसी तहजीब की भी और फारस तहजीब की भी और हिंदू तहजीब की भी, यहाँ पर संस्कृत मेन लैंग्वेज थी। मुसलमान यहाँ पर कब आए? मुसलमान इस रीजन में 7वीं सदी ईस्वी में आए, ठीक है, जिसका अगर हम थोड़ा तारीखी तौर पर देखें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दौर में सादात ने हिजरत करना शुरू की और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आए अपनी जानें बचाने के लिए, और उनके पीछे बाज़ लोगों को भेजा गया कत्ल करने के लिए, वो एक तारीख है, ठीक है। मौजूद जो लोग
आलादीन को बहुत अहम मौजूद बनाया गया, क्योंकि वो उसमें कातिलीन सादात थे। बहरहाल वो मैं सिर्फ ये बताना ये चाह रहा हूँ कि मुसलमान यहाँ आए और मुसलमान 7वीं सदी ईस्वी से इस रीजन में मौजूद है, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इस वक्त के तकरीबन 2000 साल का अरसा बन रहा है, 2000 साल से मुसलमान इस रीजन में है। इसका मतलब है कि मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम कल्चर का यहाँ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, 2000 साल से है, ठीक है ना। और उसका हमें जो है एक कुल्ली रिजल्ट नजर आता है कि जगह जगह हमें मुख्तलिफ फोर्ट्रेसेस आर्किटेक्चर नजर आता है पूरे बरसगीर में, ठीक है। इसी तरह कल्चरल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं मुस्लिम कल्चर के, रूहानी सूफी कल्चर, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। हम हर चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, इसके लिए पूरा एक अलग हर उनमें से हर एक मौजू को देख मौजू है पॉडकास्ट के लिए। फिर बरतानवी जो साम्राज्य कुवतें वो यहाँ दाखिल कब हुई, वो ही यहाँ पे 17वीं सदी ईस्वी में। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 500 साल का अरसा तकरीबन बनता है आज तक का। मैं तो समझता हूँ कि आज भी हम गुलाम हैं बरतानवियों के, मुझे नहीं लगता कि हम उनकी गुलामी से अभी भी आजाद हैं। तो लेकिन जो उनका बहुत ही टफ जो टाइम जो उन्होंने दिया बरसगीर को, तकरीबन 200-250 साल जो उन्होंने हुकूमत की, उस दौरान जो उन्होंने कल्चरल इम्पैक्ट्स, लीगल इम्पैक्ट्स, एजुकेशनल इम्पैक्ट्स, मजहबी इम्पैक्ट्स, लोगों को डिवाइड एंड रूल करके जो चलाया, यहाँ के रिसोर्सेज को लूट खसूट के जो ले गए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक ऐसा कल्चर मुतारिफ करवाया अंग्रेजी जबान के थ्रू, और एक अपनी एलीट क्लासेस मुतारिफ करवाई अंग्रेजी जबान के थ्रू, कि आज तक हमारा बंदा अंग्रेजी जबान को सीखने के लिए मरा जा रहा है। यही जो है वो एक क्लास है। हाँ, यही क्लास। अगर एक जाहिल इंसान भी अगर इंग्लिश बोल रहा है तो उसको लोग समझते पता नहीं बहुत कोई काबिल। जाहिल तो आपने बहुत अच्छा लफ्ज बोला, डाकू भी अगर इंग्लिश बोल रहा होगा तो वो समझेंगे कि ये हालांकि वो डाकू है मगर ये नहीं देख रहे कि वो डाकू है, असल तो डाकू है ना, असल चोर है, असल तो वो लुटेरा है। लेकिन अगर वो अंग्रेजी भी बोल रहा है तो लोग कहेंगे कि इसकी एक बड़ी मजेदार मिसाल पेश करूं। मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम, इसमें मेरे पास इसका कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, कि शायद बांग्लादेश में एक दफा ऐसा हुआ कि लोग एक कचरा फेंकने की आदत हो गई। अब मुझे नहीं पता ये सच्चा वाकया है या नहीं, लेकिन बहरहाल एक मजेदार चीज है, ये भी एक कल्चर माइंड सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो लोग कचरा फेंक रहे थे और नहीं रुक रहे थे उस आदत से, तो किसी ने आइडिया दिया कि भाई जहाँ कचरा फेंका जाता है वहां पे अरबी जबान में लिख दो, यहाँ कचरा ना फेंके। तो जब उन्होंने ये लिखा तो लोग जो है वो उसको देख कर समझे कि यहाँ खुदा ने ये शायद उन्होंने वो कचरा फेंकना शुरू कर दिया। तो आप ये समझे कि एक इंसान के माइंड में बाज औकात उसकी एक कम इल्मी कह लें, जहालत कह लें, उसकी वजह से एक माइंड सेट बन जाता है उसका, और वो ये समझने लगता है कि ये हकीकत, हालांकि वो कुरान की आयत नहीं है, तो अरबी में लिखा हुआ है कि चलो मत फेंको, स्टाइल के फॉन्ट के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन लोग उसकी जी एहतराम है। बहरहाल इस रीजन में मुस्लिम इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा 2000 साल, 500 साल अंग्रेजों का रहा। यहाँ खुद पहले से कितने मजाहिब मौजूद थे, जैनिज्म है, सिखिज्म है, और उसके अलावा ईसाई, यहूदी भी शायद एक जमाने में रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक ऐसी सोसाइटी में होते हैं कि जहाँ बहुत सारे मजाहब, बहुत सारे कल्चर्स आपस में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उस दौरान कुछ चीजें इधर की उधर, उधर की इधर एक्सचेंज होता है, ये सब कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो लोग बच पाते हैं कि जो इससे मुकाबला कर पाए और अपनी तालीमात को, अपने रिलीजन की तालीमात को या अपने उसूल और कवानीन को मजबूती और मोहकम अंदाज में आगे अपनी नस्लों में कन्वर्ट करें। तो ये पहला रीजन है जिसको हमें समझना होगा कि यहाँ पे कल्चरल जो एक इन्फ्लुएंसेस हैं मुख्तलिफ कल्चर्स के, मुख्तलिफ रिलीजन्स के, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस भी हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस भी हैं, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि खाने पीने की भी इन्फ्लुएंसेस हैं, जो लोग अपने अपने एल्सपोर से आए वो अपने अपने खाने पीने का तरीका ट्रेडिशन लेकर आए। बहरहाल ये एक चीज है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो मजहबी तालीम का एक अनसर रहा, आहिस्ता आहिस्ता जब ये तहजीबें आती गईं तो आहिस्ता आहिस्ता इन तहजीब मुख्तलिफ कौमों के यहाँ आने के बाद जो इम्पैक्ट्स आए हैं, मिसाल के तौर पर अंग्रेजों के आने के बाद का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला हम लोगों के साथ, और हमें आपस में लड़वाना, कमजोर करने के लिए हमें आपस में लड़वाया, हमें ग्रुप ग्रुप कर दिया, ठीक है ना। एक मजहब में भी कई ग्रुप्स बन गए, फिरके बन गए, और उसको खुद इन्होंने मिट्टी का तेल दिया ताकि आग भड़कती रहे और ये मामला लड़ते रहे आपस में ताकि हम इन पर रूल। तो
ये एक मसला है जिसको मैं समझ, इसकी वजह क्या थी कि इसकी एक वजह यह थी कि क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन लोगों की मजबूत ना रह सकी, उलझ गए वो उलझ गए मामला था एग्जैक्टली। या फिर एक और चीज ये हुई कि मिस इंटरप्रिटेशन हुई है रिलीजन, यानी एक रिलीजियस लॉ आपको बताया जा रहा है मगर उसकी सही तौजीह या सही तफसीर या सही मतलब नहीं बयान किया, तो अब आप उसका गलत मतलब लेके बैठ गए और आपने उसी को प्रैक्टिस शुरू कर दिया और आप फिर अब आपका सब या तो आपने ये किया कि अपनी मकसद की जो चीज थी अपने मतलब की चीज थी वो आपने ले ली और बाकी चीज को साइड पे, बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे आज भी यही हो रहा है कि आज मिसाल के तौर पर बाज़ वालिदैन कुरान मजीद की 6,500 आयात में सिर्फ 4 या 5 आयात का इंतखाब करते हैं वबिल वालिदैन एहसाना जिसमें शामिल हो, और मेरा उनसे ये सवाल होता है कि सिर्फ जब आपके एहतराम की बात आती है तो आप ये 5 आयात सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम आपसे दूसरी आयात पे अमल की वादा करते हैं तो आप फिर कहते हैं नहीं, वहाँ पे आप हाथ खड़े कर लेते हैं कि हम नहीं, वो हमें नहीं चाहिए, बस हमें यही चाहिए जो हमारे मतलब का है। मोस्टली ऐसे होता है, मोस्टली ऐसे हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि चूंकि मुख्तलिफ कल्चर्स थे, मुझे नहीं मालूम कि दूसरे कल्चर्स में ये चीज बहुत ज्यादा अहम थी या नहीं थी कि भाई बड़ों का कंट्रोल हो हर चीज पर। ये एक माइंडसेट है, हो सकता है ये हिंदू कल्चर में हो सकता है हमारे यहाँ, तो ये बहरहाल एक एहसान और अच्छे अखलाक के तनाजुर में है। इताअत वालिदैन की सिर्फ उसी वक्त होती है जब उनका उनकी कही भी बात कुरान और अहले बैत के मुताबिक हो, ये हमारे मुताबिक है, यानी कवानीन खुदा के मुताबिक अगर है, अगर वो नहीं है तो फिर वहाँ इताअत का हुक्म नहीं है। कुरान मजीद की आयत मौजूद है इसके लिए कि अगर माँ बाप कोई ऐसी बात करें जो कुरान और अहले बैत के मुखालिफ हो तो वहाँ इताअत जायज नहीं है, वहाँ इताअत बल्कि वहाँ इताअत मुखालिफ करनी, मुखालिफत करनी है, वहाँ इताअत नहीं करनी उनकी, बताना है उनको कि ये बात आपकी गलत है, ये कुरान और अहले बैत के खिलाफ है, इसलिए हम यहाँ इताअत नहीं कर सकते। और इताअत तो खैर है भी अल्लाह और रसूल के रसूल की या औले अमर की। यार आपकी बात काटूंगा माजी, अक्सर अमूमी तौर पर होता ही है कि अगर आपको किसी ऐसी चीज का पता हो कि यार ये काम जो मेरे घर वाले या मेरे वालदैन मुझसे तकाजा कर रहे हैं ये शरई तौर पर, अखलाकी तौर पर, माशरे तौर पर ठीक है, चले शरई तौर पर आप ले लें इसको, माशरा तो फिर बहुत सारी चीजें बुराइयों से भी, पर भी आने वाले मुआशरा, हाँ मुआशरे पे भी आएंगे, तो होता ये कि हम उसको जो है ना वो उस तरीके से बता नहीं पाते या रोक नहीं पाते या रोकने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो हमारी वो आ जाती है उस चीज के अंदर कि तुम जबान चला रहे हो, तुम बेअदबी कर रहे हो हमारे साथ। देखिये आप कुछ भी करेंगे ना, यहाँ बरसगीर में एक मसला ये है कि अगर आप चुप रहेंगे तो तब भी आपको लोग कहेंगे ये देखो हर हमेशा चुप ही रहता है, ये तो हमेशा शर्माता रहता है, ये तो बोलता नहीं है, ठीक है ना। ये वहां पे वो लुकमान और उनके बेटे वाला वाकया अगर आपने सुना हो कि एक दफा लुकमान और उनके बेटे जा रहे थे तो एक लुकमान ने जो है वो अपने अपने बेटे को गधे में सवार कर दिया, गधा उनके साथ, तो लोगों ने कहा देखो ये कितना बेशरम बेटा है, ये खुद तो बैठा हुआ है बाप नीचे चल रहा है, फिर बाप ने खुद अपने आप को बिठा लिया बेटे को नीचे उतार दिया, तो कहने लगे ये देखो कितना बेशरम बाप है कि जिसने खुद तो बैठ गया बेटे को नहीं बिठाया। जब वो दोनों बैठ गए उस गधे के ऊपर तो फिर उससे कहा कि देखो ये कितने दोनों बेशरम है कि एक गधे पे जुल्म कर रहे हैं, सवार ऐसे ही है। और अगर फिर जब उन्होंने वो दोनों उतर गए और जब तुम्हें कहने लगे कितने बेवकूफ है क्यों गधे की सवारी का, तो यहाँ तो माशरा यहाँ पहुंच चुका है हमारा कि आप कुछ भी कर लेंगे ना तो आपको नुकसान ही नुकसान है, आपको किसी भी सूरत में कोई भी आपकी तारीफ नहीं करेगा, कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। ये बात तो आम उसमें ना, लेकिन हम जिस वक्त वालिदैन की इस्लाह करते हैं या उनको बताने की कोशिश करते हैं तो हम पे कुरान के हवाले से ही वो जी कुरान के अंदर है आप बेअदबी ना करो जी, आप हुकुम अदूली ना करो, तो फिर हुकुम अदूली नहीं बेअदबी, एहसान का लफ्ज है। देखिये वबिल वालिदैनि एहसान, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि भाई ये एहसान का मतलब क्या है, तो उन्होंने ये फरमाया कि ये एहसान का मतलब ये है कि वालिदैन की जो जरूरियात हो उनके कहने से पहले पूरी कर दो, ठीक है। अच्छा, और भी तफासिर हो सकती हैं और भी माना हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात ये कहना कि उनकी हुकुम अदूली ये गलत है, क्योंकि हुकुम अदूली उस यानी उस सूरत में जायज है कि जिस सूरत में उनकी बात कुरान और अहले बैत की मुखालिफ हो, ये तो कुरान की आयत कह रही है ना कि जब ये तुम्हारे वालिदैन की बात या तुम्हारे रिश्तेदारों की बात या मोहल्ले वालों किसी की भी बात अगर कुरान और अहले बैत के खिलाफ है तो आप थोड़ी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपका तो दीन बिक गया ना। बिल्कुल होना ऐसे ही चाहिए और यही हक है, लेकिन हकीकी जिंदगी में जो हो रहा है, जो दुनिया के अंदर हो रहा है, लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं जी कि वो नहीं बोल पाते, वो नहीं कर पाते, तो ये हमारे करेज की कमी है, ये हमारे करेज की कमी है। और करेज की कमी क्यों होती है, करेज की कमी इसलिए होती है कि जब आपका तवक्कुल अला ज़ात अल्लाह नहीं है,
अगर ये अल्लाह की जात पर आपका तवक्कुल ना हो तो करेज नहीं होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ अरफा में कितने तौहीदी मज़ामीन उन्होंने उसमें बांधे हैं, कितने उसके अंदर खूबसूरत मफाहीम बयान हुए हैं, और उसमें से एक सिंपल मीनिंग मतलब भी अगर हम उठा लें तो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या कि परवरदिगार जिसको तू मिल गया उसने क्या खोया, और जिसको तू नहीं मिला उसने क्या पाया। ठीक है, तो मर्जी सिर्फ खालिक की हासिल करनी है, मखलूक की मर्जी हासिल नहीं करनी है, और मखलूक में वालिदैन भी आते हैं। ठीक है ना, अब बहुत बड़ी बात, बेशक ऐसे ही है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं वालिदैन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, अगर माँ को राजी नहीं किया तो जन्नत नहीं जा सकते, बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है, अगर उसको राजी नहीं किया तो दरवाजे से दाखिल नहीं हो पाओगी जन्नत में। देखें, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, तफक्कुर करना पड़ेगा, तफक्कुर करना पड़ेगा, कौन सा बाप, कैसी माँ, क्या ये वही बाप है, वही माँ है जो कुरान और अहले बैत के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, तरबियत कर रहा है और उनको बातें बता रहा है, कुरान और अहले बैत के मनाफी है या उसके साथ है, कुरान और अहले बैत के साथ है या उससे दूर खड़ा हुआ है। ये सिंपल फॉर्मूला है आपके लिए, मेरे लिए, हर शख्स के लिए, हमें ये देखना है कि हमारे वालिदैन कुरान और अहले बैत के मुताबिक फैसला कर रहे हैं या मतलब किसी और मजहब के मुताबिक या कल्चर के मुताबिक या लोगों के खौफ के मुताबिक। हाँ, अगला हमारा मौजूद खौफ है, खौफ मखलूक है, जो भी हमने तस्करा भी किया। देखिए लोग यहाँ पे दो चीजें, एक तो यहाँ पे सोशल प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, भाई अल्लाह क्या कहेगा, ये अहम मौजू है, इसको जब तक हमने अपने दिमाग में नहीं बिठा लिया तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। अच्छा, एक और इसी से मुताल्लिक एक और फियर है, फियर, फियर यानी खौफ है, आपको ये खौफ है कि अगर मैं इस्लामी उसूलों पर जिंदगी गुजारना शुरू की अगर मैंने तो मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ देंगे या मेरे रिश्तेदार ही मुझे तानाजनी करना शुरू कर देंगे, तो फिर अगर ये खौफ आपके अंदर है तो फिर आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं था कि जिसको मजनून यानी दीवाना ना कहा गया हो। ठीक है ना, अक्सर अंबिया को मजनून दीवाना कहा गया हो, अक्सर कहा गया है, जहां तक मेरी नॉलेज में अक्सर से उनकी कौम मुनहरिफ ही रही, अक्सर उनकी कौम उनको पसंद नहीं करती थी, उनकी कौम उनसे मुखालफत करती थी, तो आया ये मुखालफत कौम इस बात की गमाजी है कि अब ये नबी जो है कोई गुनहगार हो गया खुदा ना खास्ता, ऐसा तो नहीं है, ये नबी हक के रास्ते पे खड़ा हुआ है, ये अल्लाह के रास्ते पे खड़ा हुआ है, अब दुनिया नाराज होती हो तो हो, अल्लाह नाराज ना, अहम मसला यहाँ पे ये है। बरसगीर के लोग, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि यही लोग बाद में वालिदैन बनते हैं, कुल्लन हम लोगों की बात करें तो बेहतर है, यहाँ पे खौफ है, यही जो मैंने जिस खौफ का तस्करा किया, सोशल प्रेशर्स भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, उसी के साथ साथ जो हमने अभी बात की थी कि एक इमोशनल इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है यहाँ पे लोगों के अंदर कि यार ऐसा ना हो कि ये बच्चे ने अब दीन और मजहब सीख लिया है तो अब तो ये अपनी आजादी की बात कर रहा है और ये तो बातें कर रहा है ऐसी कि अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, तो हमें तो कंट्रोल में रखना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कंट्रोल में रखने का, ये भी कोई इस्लामी कॉन्सेप्ट हो रही है, मतलब इस्लाम तो गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए इंसान को आया है, ठीक है, आजाद करने के साथ साथ बेहतरीन तरबियत भी इंसान को प्रोवाइड करने आया है, और ये भी बता रहा है कि लकद काना लकुम उस्वतन हसना, रसूलुल्लाह की जो उस्वा हसना है यानी उनकी जिंदगी है, ये भी कह रहा है, मैं इसका आयत को अगर गलत कोट कर गया हूँ तो मैं माफ़ चाहता हूँ, आयत ये है कि देखो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन उस्वा हसना ये है रसूल, इसको फॉलो कर रहा है, इस रसूल अल्लाह की जो जात है जो सीरत है हमें इसको फॉलो करना है, इस रसूल ने जिंदगी कैसे गुजारी है, इस रसूल ने तो बहुत ही बेहतरीन जिंदगी गुजारी है, इसने तो कभी अपनी औलाद पर जुल्म नहीं किया, इसने अपनी औलाद को इंतहाई चाह इंतहाई मोहब्बत शफ़क़त उनसियत के साथ रखा, इमाम हसन और हुसैन के साथ रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत है उसको बयान नहीं किया जा सकता, हर वक्त उनका माथा चूमते थे, हर वक्त उनको गले लगाते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ के आजकल के वालिदैन ये काम नहीं करते, अपने बच्चों को चूमते तक नहीं है, बहुत सारे वालिदैन की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग करते होंगे लेकिन अक्सरियत नहीं करती, गले नहीं लगाती, बैठकर बात नहीं करती, बाप तो हमेशा एक फिरौनी कैफियत में है हमारे यहाँ कि वो बच्चे से बात कर लेगा तो शायद पता नहीं कोई बहुत बड़ा
बहुत बड़ी जिल्लत तो पस्ती हो जाएगी उसके लिए, जबकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह तो ऐसे नहीं थे, रसूलुल्लाह तो बे इंतहा रहमत और शफ़क़त से पेश आते थे। तो हम क्या करें इन बातों का, मजलिस में जाकर हम ये बात सुनकर आते हैं, मगर घर में जब हम ये नहीं देखते तो ये हमारे बच्चों के लिए, कुल्लन औलाद के लिए एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का बाइस बनती है। वो ये कह रहे हो, देख रहे होते हैं कि जो हम देख रहे हैं कि जो बताया जा रहा है वो हो नहीं रहा दरअसल अम्र, तो ये मुश्किलात हो। अच्छा, एक और वजह क्रिटिकल स्किल्स ना होना है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, लॉजिकल स्किल्स हैं, मंतिकी फिक्र, सोचना समझना, गौर व फिक्र करना, ताकुल करना, ये हमारे मिसिंग। हमें बस बता दिया गया है कि बस जो बड़ों ने बता दिया वो कर लो, ये दीन नहीं है। जो बड़ों ने बता दिया वो दीन नहीं है, माजरत के साथ। तब मक्का के मुशरिकीन रसूलुल्लाह से बार बार परेशान होते थे उनके मैसेज से, तो वो ये कहते थे कि अब तुम इतने जवान, एक नौजवान जो, अब तुम हमें बताओगे कि हमारे आबा उजदाद ने जो हमें बताया वो गलत है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम कौन होते हो। रसूलुल्लाह भी इस तरह से ताराजनी करते थे, रसूलुल्लाह को इस तरह से अजियत पहुंचाते थे कि तुम जवान हो के हमें क्या बताओ। आज के वालदैन भी यही काम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ कि तुम हमें बताओगे कि सही और गलत क्या है, जबकि ये बात गलत है। इल्म बच्चे के पास भी हो तो वो बहैसियत हो जाएगा। मंतिक, इल्म, सोच विचार, फिक्र, ताकुल, तदब्बुर अगर एक बच्चे के पास भी आ जाए और किसी बड़े के पास ना हो तो वो बच्चा ज्यादा अहम है, वैल्यूएबल है, क्योंकि वो बात सही कर रहा है, उसकी बात को तवज्जो दे। यानी सारी वैल्यू इल्म की तो है, और किस चीज की इल्म है और वैल्यू है, ये सोचने समझने की बात है ना। अच्छा, एक और मसला जो हम यहाँ के वालिदैन, यहाँ के लोग नहीं समझते, जनरेशन गैप आता है हमेशा, ठीक है ना। और हमारी जिंदगी में जो जनरेशन गैप आया वो तो बहुत ज्यादा, पिछले 30 साल के अंदर जो टेक्नोलॉजी का फर्क आया है, यानी आप एक जमाना था कि मोबाइल तक नहीं होता, तो पिछले 30 साल के अंदर ऐसा मोबाइल भी आ गया जिसको आप उंगली से टच स्क्रीन वाली चीजें आ रही है, तो यानी तरक्की। अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिस तेज रफ्तारी से तरक्की हो रही है जनरेशन गैप भी आता है। आजकल का बच्चा 30 साल 40 साल पुराने लोगों के बराबर अगर बैठता है, बात करता है, तो उनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है, उनकी अफकारी उनके फिक्री लेवल पे भी। आज का बच्चा किसी और नहज पे सोच रहा है, मतलब मैं बताऊं कि हमारे बचपन में हम पता ही नहीं होता था रिमोट को कैसे चलाना है, और आजकल के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं। वजह ये कि जिद्दत आ रही है ना, लोग तेज से वो तब्दील हो रहे हैं, हर चीज में बेहतरी आ रही है। बिल्कुल, तो अब जाहिर है नेगेटिव पॉजिटिव तो हर चीज के हैं, लेकिन फर्क आ रहा है ना, इस फर्क की बात बहुत अहम है। अहदीस मिलती है हमें इस हवाले से भी, ये कहा जाता है वालिदैन को, कहा गया है कई अहदीस के अंदर कि देखो ये जो तुम्हारे बच्चे हैं इन पर अपने जमाने की चीजों को लागू मत करो, ये बच्चे अब उस जमाने के जिस जमाने में ये पैदा हुए हैं, जिस जमाने में ये पहले बड़े हैं, अब ये जमाना उनका है, उस जमाने में नई टेक्नोलॉजी है, उस जमाने में नई चीजें। मिसाल के तौर पर एक साहब अपने बच्चे से बोले कि भाई मैं तो ऊंट पर सफर करता था, अब आज तो आ गई कार, अब तुम कार पे नहीं सफर करो, क्योंकि ये तो बस पता नहीं इसका तो मशकूक है ये कार, मतलब इस पे कुछ हो सकता है शरी मसला हो या पता नहीं कोई और मसला हो, तो तुम ऊंट पे सफर करो। तो अब आप खुद समझ सकते हैं मेरी बात, मैं आगे नहीं जाना चाह रहा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, हम लोग क्या दुनिया के हर जगह के लोगों के साथ ये मसला भी पेश आता है, जब आपका सबका मुख्तलिफ कल्चर से ना हो, यहाँ तो खैर बहुत रहा है फिर भी किसी न किसी हद तक, मगर कभी कभी ये होता है जैसे आप एक मुल्क में रह रहे हैं, तो अब और एक उस मुल्क के भी किसी एक शहर में, फिर एक किसी इलाके और एक मोहल्ले, अब आप उस मोहल्ले से कभी बाहर ही नहीं निकले, तो आप कुएं के मेंढक है ना, आपको तो नहीं पता कि इस मोहल्ले के बाहर भी कोई और जिंदगी है, इस शहर के बाहर भी कोई और जिंदगी है, इस मुल्क के बाहर भी कोई और जिंदगी है। इसीलिए जब हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहां जाने के बाद जो जिंदगी देखते हैं तो वो एक तकाबुल और एक मवाजना और कंपैरिजन करते हैं, तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं यार जिंदगी कुछ और भी, जिंदगी अच्छे तरीके से भी गुजारी जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस कानून शिकनी हर वक्त, बस गालम गलोच और बदतमीजी और बच्चों को एहतराम ना करना, बच्चों की मार पिटाई चल रही है और हर तरह की जो नाइंसाफी है वो आपको नजर आ जाती है। लेकिन जब दूसरे कल्चर्स में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो हमें पता चलता है। तो यहाँ ये भी एक फैक्टर है, इसको भी फैक्टर इन करना चाहिए इस, जब हम इस मसले को बड़े सगीर को समझना चाह रहे हैं। और एक और चीज जो मेरे जहन में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो ये कि यहाँ पर ये भी बहुत हुआ है, जैसे अंग्रेजों ने हमेशा यहाँ हालात खराब रखे, डिवाइड एंड रूल का सिलसिला रखा,
और आज तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे पास है, लेकिन सियासी हालात हमारे सही नहीं है, बिजली नहीं है हमारे पास, पानी नहीं है हमारे पास, हमारे पास गैस नहीं है, कभी सड़कें नहीं है, बारिशें हो जाए तो बाई से रहमत हो जाती है, बस बजाय बाई से रहमत होने के, तो कचरा उठाने वाले नहीं है, कचरा जगह जगह आपको पता है कि यहाँ किस तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है कोनों कोनों पे जमावरी हो रहा है, और फिर वहीं से वो बीमारियां फैल रही हैं, और एक कंटिन्यूस सिलसिला है इन तमाम इंस्टेबिलिटीज का, तो इससे भी लोग अफेक्ट होते हैं, मगर ये वो कॉजेज हैं कि जिसपे इंसान का अपना कोई कंट्रोल ज्यादा नहीं है किसी हद तक, अगर हुकूमत पर रिलाई कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन हाँ जब आपको लग रहा है कि आप भाई हुकूमत नहीं कर रही और कर पा रही या आप खुद कर सकते हैं तो फिर आप खुद अपना इकदाम करना तो पड़ेगा ना आपको। आप ये तो नहीं सकता कि मतलब घर की भी बाहर वाला सफाई तो करते ही, आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार घर में जो है ना मासी नहीं आ रही तो मैं सफाई नहीं करूंगा या घर के काम नहीं होंगे, आपको करना तो है बाहर खड़ा तो होना है आपको। खुदा जो कुरान मजीद में कहता है कि मैं उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद ना बदले, तो हमें अपनी हालत को खुद भी बदलना है। तो ये तो कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो मुझे लगता है कि जब भी हम इस मौजू पे बात करें तो हमें ये तमाम एक 360 डिग्री एंगल पे समझना पड़ेगा इस रीजन को कि यहाँ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत पेचीदा हो चुकी हैं चीजें, और उसको समझने और उसको हल करने के लिए ये तमाम चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए। अब आज का बच्चा, आज की औलाद, और आज के वालिदैन भी मैं उनको शामिल करूंगा क्योंकि ये वालिदैन भी कभी किसी के बच्चे ही रही हैं, बच्चे ही रहे हैं, इन्होंने भी वही सहा है अपने वालिदैन के थ्रू, और उनके वालिदैन ने भी शायद वही सहा हो। पिछली 3-4 नस्लें जो हमारी बरसगीर की पिछले 200-300 सालों में रही हैं वो बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर डिस्टर्ब रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम बराए नाम ही मुस्लिम रह रहे हैं, बैज लगा हुआ है इस्लाम का, बैज लगा हुआ है मोमिन का, मगर काम नहीं है। हाँ, या तो पर्टिकुलर किसी खास फेज के अंदर, जैसे रमजान के अंदर लोग इंसान बन जाते हैं, या मुहर्रम के अंदर वो होता है कि लोग सवा 2 महीने थोड़ा सा एहतराम, टीवी नहीं देख रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद फिर उसमें भी यही कह सकते हैं ना कि फिर उसका मतलब है कि वो बराए नाम हो रहे हैं, या रियाकारी है, या बराए नाम है, या फिर वही सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर यही तो होता है कि आपने देखा वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो चलो मैं भी कर लेता हूँ घर के बारे, अगर मैं नहीं करूंगा तो यार शायद मैं इनसे कट ऑफ महसूस होऊंगा, ऑड वन आउट हो जाऊंगा, अलग महसूस होऊंगा, तो लोग फिर वो कहेंगे तो यार मैं भी कर लेता हूँ। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मैंने देखा है कि वो मतलब रोजा नहीं रख रहे, मेन पूरी गुटखा पान सिगरेट जो भी खा पी रहा चल रहा है रमजान के। मैं शाजुन के बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक सिर्फ वालदैन के हवाले से नहीं है, ये एक अमूमी भी बात है, बात है, इसके अंदर हर फर्ड शामिल है, हर बंदे की बात हो रही है, सिर्फ वालदैन को इसमें हाईलाइटिंग किया जा रहा है कि वालदैन ही जो है वो हर चीज की मुश्किल का की वजह, ऐसा नहीं है, एक अमूमी बात हो रही है हमारी। देखिए जब लोग ठीक हो जाएंगे ना, जब लोग कुल्ली तौर पे ठीक हो जाएंगे तो वही अच्छे वालिदैन भी बन जाएंगे, और वही अच्छे बच्चे भी बन जाएंगे, औलाद भी बन जाएंगे, वही अच्छे बहन भाई भी बन जाएंगे, सही, वही अच्छे बेटे, मतलब हर रिश्ता पाको पाकिजा हो जाएगा। समझने की बात है कि हमारे इस रीजन में प्रॉब्लम्स क्या है जो अभी हमने डिस्कस कर लिए, किसी हद तक हो सकता है इसमें और भी चीजें हों, और नाजरीन देखने वाले अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें डेफिनेटली बताएं, तो उस पर भी बात हो सकती है। अब यहाँ उसके नुकसानात क्या हो रहे हैं इस पर थोड़ी सी बातचीत हो जाए, जो हमें नजर भी आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा भी वास्ता रोजमर्रा की बुनियाद पे लोगों से होता है, और तकरीबन जो देखने वाले हैं उनको भी इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा होगा। सबसे बड़ा मसला जो हमारे रीजन में, हमारे इस खत्ते में, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस ये होता है कि आप बजाहिर तो कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि हमने कहा बैज लगा हुआ मुसलमान का, मगर वो बंदा जो है माइकल जैक्सन के गाने भी सुन रहा है, मिसाल के तौर पर। अब वो जो हलाल हराम का मसला भी अब उस पर बात नहीं कर रहा, मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कल्चरली मुसलमान होने के बावजूद उसी कल्चर से इतने ज्यादा इंस्पायर हैं कि जो इस्लाम का मुखालिफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस कहते ही इसी को है ना, कि आपको अपनी जो अपना तशख्स, अपना जो पहचान है आपको, वो समझ में ही नहीं आ रही, मस्क हो गई, मस्क हो चुकी है, मैं पता नहीं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हूँ क्या, नहीं पता कि बार बार तो मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घर में पैदा हूँ, लेकिन मैं सब हूँ, मैं थोड़ा सा ये भी हूँ, मैं थोड़ा सा वो भी हूँ। तो बहरहाल ये, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं, और फिर ये होता है कि इंसान बेअमल हो जाता है किसी राह पे, कहता है यार
सब ठीक है। जैसे एक आजकल प्लूरलिज्म की वबा फैली हुई है, प्लूरलिज्म एक ग्रुप है, वो कहते हैं एक फलसफा है, वो कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स हक पर है, हर मजहब हक पर है, सब के सब पहुंचेंगे अल्लाह तक ही, उस खुदा तक ही पहुंचेंगे सारे सारे, तो किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, जो जो कर रहा है करना, तो इसे कहते हैं प्लूरलिज्म। तो अब ये आइडेंटिटी क्राइसिस जब आता है तो ऐसे ही लोग वहां पे ज्यादा नजर आ जाते। दूसरा एक अहम मसला, अब चूंकि वालिदैन बच्चों के साथ अच्छे रवैये से पेश नहीं आते तो इसकी एक साइकिल चल पड़ती है। अच्छा, साइकिल तो चलेगी, वो तो फ्यूचर जनरेशन तक जाएगी, लेकिन अभी हम जो मेन चीज पर डिस्कस कर लें, एक घर में वालिदैन बच्चे औलाद रह रहे हैं, रिस्पेक्ट का फुकदान है। देखिए, रिस्पेक्ट का फुकदान इसलिए है, मैं बता रहा हूँ कि ठीक है वो बाप जो है डंडे से चला रहा है घर में निजाम को, या माँ जो है वो खुदा ना खासा चप्पल जूते से मामलात हल कर रही है मार मार के बच्चों को, ऐसे कई घरों में ये मामलात हैं, ठीक है ना, जो कि इस्लाम की रूह से कामिलन गलत है, मैं ये भी बताते चलूं, हराम है मारना, पीटना, ज़दोकोब करना, ये बिल्कुल हराम है, इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दियत और कसास के अहकाम मौजूद हैं। दियत और कसास के अहकाम ना होते तो फिर कोई कह सकता था कि हाँ भाई मार लो, लेकिन नहीं मार नहीं सकते, क्योंकि अगर मारना है तो फिर उसके बाद दिया तो कसास के अहकाम पर क्या करेंगे, वो भी तो फिर लागू होने। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज ऐड करूँ, अक्सर सुनोगे आपने वालदैन असातिज़ा के पास जाते हैं कि जी बच्चा इसको काबिल बना दे, गोश्त आपका हड्डियां हमारी, ये क्या, ये वही वो ये पूरा एक हम इस मौजू पे एक पॉडकास्ट कर सकते हैं जिसमें हम वो तमाम मुहावरे जो बरसगीर में राइज हो गए शायद अंग्रेजों की वजह से या शायद खुद ऐसे ग्रुप्स की वजह से कि जिन्होंने हराम कामों को हलाल पे तरजीह देने की चाहा या अपने गलत को सही बनाना चाहा, बातिल को हक पे मुसल्लत करना चाहा, तो उसके लिए उन्होंने इस तरह की चीजें मुतारिफ करवाई हैं। जैसे कि एक मुहावरा हमें अंग्रेजी जबान में सुनने को मिलता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर इन लव, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर इन लव, ये गलत है, ये कैसे हो सकता है, इस्लामी अहकाम की धज्जियां बिखेर दी है इस जुमले में, सब कुछ फेयर हो सकता है, नहीं भाई कैसे फेयर हो सकता है, जो हक है वही फेयर है और जो बातिल है वो अनफेयर है, सिंपल सी बात है। तो अब मैं उस फैमिली की बात कर रहा था, मैं वापस आता हूँ, फैमिली में रिस्पेक्ट जो होती है ना वो तब होती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स मलऊन है या वो शख्स जो है रसूलुल्लाह उसको उससे नफरत फरमाते हैं या इस किस्म के मतालिब के साथ कुछ अहदीस मौजूद, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा, रसूल फरमाते हैं कि वो शख्स क्या बदनसीब है, क्या मलून है कि जब वो घर में दाखिल हो तो उसके खौफ से उसके बीवी बच्चे इधर उधर दुबक के छुप जाए और जब वो घर से बाहर चला जाए तो उसके बीवी बच्चे खुश हो जाए, शुक्र मना। तो ये हमारा रसूल फरमा रहा है और हमारे रसूल ने जिंदगी से अपने अपने अमल से करके भी दिखाया है कि वो इंतहाई शफीक, इंतहाई रहमत वाले, इंतहाई मेहरबान, इंतहाई मोहब्बत करने वाला नबी था, अपने बच्चों के साथ ही नहीं, गली मोहल्ले के बच्चे, इलाके के बच्चे, जो भी जब कभी वो गुजर रहे होते थे और कई बच्चे खेल रहे होते थे तो वो अगर एक बच्चे को बोसा देते थे तो बाकी बच्चों को भी बोसा देते थे, बाकी बच्चों को भी उसी अंदाज से गले लगा के प्यार करते थे। तो ये होना चाहिए और जब ये होगा तो रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, रिस्पेक्ट डंडे से नहीं होती, रिस्पेक्ट हमेशा आपके अच्छे रवैये, अच्छे किरदार बच्चों के साथ, खासतौर पर घर में जब आप ये क्रिएट करना चाह रहे होते हैं तो तब होती है। ट्रस्ट भी डेवलप नहीं होगा अगर एक बाप डंडे से ही लेकर चल रहा है, माँ डंडे से ही अपने बच्चे को हांक रही है और मुसलसल उसकी बेइज्जती कर रही है और मुसलसल दूसरों के सामने जब मेहमान आए हुए हों खासतौर पर तो उनके सामने ही बेइज्जती कर करके उनको ताने दिए जा रहे हो कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते और तुमसे तो कुछ नहीं होता, और तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ट्रस्ट खत्म कर देती हैं बच्चे के अंदर से माँ बाप के लिए, ये खुद का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वो अपने आप को भी वही समझने लगता है कि यार वाकई में किसी काबिल नहीं हूं, वाकई में कल को बड़ों के टिंडर पे बेचूंगा, तो ऐसी मिसालें हैं। नेगेटिव फीडबैक से हमेशा होता ही है कि अगर आप किसी को नेगेटिव फीडबैक देते रहे तो उस सामने वाली चीज सब गल सड़ जाती है। इसका एक तजुर्बा जापान के एक साइंटिस्ट ने किया था और वो उसने पानी के ऊपर तजुर्बात किए तो उसने ये साबित किया कि पानी जिंदा है, पानी जिंदगी रखता है, और बिल्कुल इसमें कोई ऐसी दो राय भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में परवरदिगार ने कहा कि हमने पानी को आसमान से नाजिल किया और जमीन को जिंदा किया, तो इसका मतलब ये है कि पानी जिंदा है। इस साइंटिस्ट ने यह तजर्बा किया कि तीन बर्तन रखे और उन बर्तनों में पानी रखा, वही सेम पानी तीनों में रखा और उसके अंदर चंद चावल के दाने उसने डाल दिए तीनों बर्तनों के अंदर और उनको मुख्तलिफ फासलों से रखा और तीन आदमियों की जिम्मेदारी लगाई कि पहले वाले को
तारीफी पुल बांधते रहो पहले वाले गिलास को देख कर, आओ और पानी को बोलो कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने शफाफ हो, और दूसरे की बंदे की जॉब लगाई कि तुम उसको एक हफ्ते तक रोजाना ये बोलो कि तुम कितने घटिया हो, कितने बेहुदा हो, और तुम कितने बदसूरत हो, और तीसरे वाले को ये कहा कि तुम इसके पास आना जरूर मगर इससे कुछ भी मत कहना, चले जाना, ऐसे आना और चले जाना। तो हुआ ये कि इस तजुर्बे का नतीजा ये हुआ कि जो सबसे पहला गिलास था वो एक हफ्ते के अंदर तरोताजा रहा और उसके चावल भी उसमें भी खुशबू आती रही और वो बिल्कुल अच्छे रहे। दूसरा जो गिलास था वो गल सड़ गया, उसमें काई जमना शुरू हो गई और अजीब सी उसे बदसूरत लगने लगा वो। और तीसरा वाला जो था सबसे ज्यादा बुरा था। तो हमें ये समझ में आती है इससे, यानी और उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। अच्छा। इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि जब कोई बेतवज्जोही का शिकार हो जाए, यानी आप किसी को बिल्कुल इग्नोर करने लगे, कामिलन इग्नोर कर दें, तो ये एक मसला है। और औलाद की तरबियत में अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि हम ये देख रहे होते हैं कि एक घर में दो भाइयों की औलादे हैं और दादी जो है या नानी जो है खुदा ना खास्ता वो किसी एक बेटे की औलाद से ज्यादा प्यार कर रही है और एक को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, और उसमें भी रीजन यही है कि एक बेटा पैसे ज्यादा लाके दे रहा है और दूसरा बेटा पैसे कम दे रहा है, या ये रीजन नहीं है, या रीजन ये है कि एक बेटा पैसे तो नहीं दे रहा ज्यादा मसलन, लेकिन मेरी हर बात पांव की जूती बना हुआ है, बस हर सही गलत में वो पांव की जूती है, हर सही गलत में वो हाँ 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 यस यस कर रहा है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं गलत बात में यस भी करूंगा, तो उसके बेटे से रवैया बुरा है। ये कई घरों में ये सिचुएशन चल रही है, और ये बदनसीबी है कि मुसलमान माशरे के अंदर अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर क्या होता है कि टेंशन क्रिएट होती है, और फिर टेंशन के साथ साथ कशीदगियां आती हैं और दिलों में कीने आते हैं और फिर हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। तो ये एक जो है मसले। अच्छा, इसी के साथ साथ जब ये तमाम चीजें हो रही होती हैं तो इसका एक इसमें एक और नुकसान भी बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों का, खासतौर पर बच्चे देखें मजलिस में एक चीज सुनकर आते हैं, किताबों में एक अलग चीज पढ़ रहे हैं, आइडियल निजाम पढ़ रहे हैं किताबों में, ठीक है ना, मजलिस में भी आइडियल निजाम पढ़ रहे हैं, मगर जब वो घर आके देख रहे हैं तो वो आइडियल निजाम की धज्जियां बखेरी हुई है वालिदैन ने, ना वो इंसाफ से पेश आ रहे, वो तो इग्नोर कर रहे, वो मोहब्बत से बात भी नहीं कर रहे, ना वो रसूल खुदा की तरह चूम रहे, ना गले लगा रहे, ना बात कर रहे, ना ओपन डिस्कशन है, कुछ भी नहीं है, और फिर उल्टा ये बोल रहे हैं कि जो तुमने पढ़ी किताब में ये बस किताबों की हद तक है, कुरान और अहले बैत ऐसे घर में आप अप्लाई नहीं हो सकते, वो तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो करें ओपनली नहीं बोलते ओपनली भी बोलते हैं भाई कुरान को बीच में क्यों ला रहे हो या हदीस को क्यों। हाँ, ये ओपनली लोगों ने मुझसे भी बोला है कई दफा, लेकिन ये जो आपकी बात है सही है कि बात आपको ओपनली नहीं बोलते मगर अमल से वही जाहिर कर रहे होते हैं कि बेजारी है, यानी दीन से बेजारी। इसी में मैं एक हदीस बयान करता चलूं कि बहुत अहम हदीस है कि एक दफा असहाब के साथ रसूल खुदा बैठे हुए थे और उन्होंने ये फरमाया कि वाय हो आखिरी दौर की औलाद पर उनके आबाओ अजदाद की वजह से। तो असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये औलाद क्या मतलब, ये औलाद क्या गैर मोमिनीन आबाओ अजदाद की औलाद है? रसूल खुदा ने कहा नहीं, ये औलाद मोमिन बंदों की औलादे हैं, इन पर वाय हो, इन पर इजहार अफसोस फरमा रहे हैं रसूल खुदा। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने लगा कि आखिरी दौर के जो वालिदैन होंगे वो अपने बच्चों को दीनी तालीम पर रोकेंगे, यानी हक से रोकेंगे बच्चों को। तो ये बदनसीबी है आखिरी दौर के बच्चों की कि उनके वालिदैन उनको हक बात से रोक रहे हैं, और जिस पर इजहार अफसोस रसूल खुदा अपनी जिंदगी में फरमा के जा चुके। ये हदीस हम तक पहुंची है। और ये भी बताता चलूं कि जितनी भी अहादीस हैं ज्यादातर में तजल्लियात हिकमत में जो तालीफ की गई हैं, या फिर उसके अलावा अल्लामा आगे जवाद आमली की जो एक मफातीहुल हयात है उसमें जो तालीफ की गई है मैं वहीं से ले रहा हूँ। इनके सारे रेफरेंसेस, सारी अहादीस की जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं सब मौजूद हैं और आप जाके देख सकते हैं ये। और ज़ाहिर है उन्होंने ये अहादीस अलकाफ़ी या दूसरे जो मुख्तलिफ मोतबर सराय हैं मसादिर और मनाबर हैं वहाँ से मनाबे हैं वहाँ से लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो एक इमोशनल डिस्ट्रेस बच्चों में क्रिएट होता है, बच्चों की जो सेल्फ लो एस्टीम हो जाती है, यानी क्या कहना चाहिए उसको कि लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है बच्चों के अंदर। सेल्फ एस्टीम क्या, खुद ही, ठीक है ना, खुद ही होती है ना इंसान की अपने अंदर एतमाद कॉन्फिडेंस जो होता है टूट फूट जाता है, वो बिखर जाता है। अब वो ये कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता,
और अभी हमें ये नजर आ रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो इतना टूट फूट चुके हैं कि वो अब सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, वो बच्चे खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, या बच्चे वो अब हार मान चुके हैं अपनी जिंदगी से, वो कुछ कर ही नहीं रहे। मेरे कई ऐसे रिश्तेदार भी मैं जानता हूँ कि जो ऐसे हैं कि जो इतना टूट फूट गए वालिदैन के बद किरदार, वालिदैन के बुरे रवैयों की वजह से, वालिदैन की बदरफ्तारी की वजह से, कि आज वो बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद कचरा उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिगरेटें पी रहे हैं गली के नुक्कड़ पे बैठ के। मतलब ये हालत हो चुकी है हमारे आजकल की औलादों की। अच्छा, इसमें एक पहलू और भी तो है ना कि वो शायद समझते हैं कि हमें खिलाने पिलाने वाले, ये छत देने वाले सिर्फ वालदे हैं। इसमें ये भी तो उनसे है ना कि शायद उनका खुदा पे उस किस्म का तवक्कल नहीं है। अगर खुदा पे तवक्कल हो तो फिर इंसान सिर्फ खुदा को राजी करेगा ना, फिर कोई और उसके लिए बचता नहीं है। जैसे अभी हमने शुरू में एक मसला डिस्कस किया था ना कि इसमें एक बहुत अहम मसला जो है ना, लैक ऑफ रिलीजियस एजुकेशन है, मजहबी तालीम का न होना या दीनी मारिफ और उलूम का सही ना पहुंचना इंसान तक, ये बाइस बन जाता है इस बात का कि इंसान इतना बेहिम्मत और इतना हकीर समझने लगता है अपना, पस्त हो जाए, हार मान लेता है वो जल्दी। जबकि अगर हम तक, अगर हमारे बच्चों तक कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना, हमारे यहाँ कुरान मजीद और अहले बैत, यही तो रसूल खुदा दो चीजें हमारे लिए छोड़कर गए। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। हमने इन दोनों से ही किनारा कशी इख्तियार की हुई है, ना हम कुरान को पढ़ते हैं और ना हम अहले बैत की सीरत से कोई फायदा उठा रहे हैं। कुरान पढ़ने की बात अभी हमने की, हमने वीडियोस बनाया, आपको पता है, तो लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई ये आप कुरान तो एक किताब आइन है और आप इस पे मतलब इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं और इस पे तवज्जो देने की क्या जरूरत है। तो लोगों की जो दिमागी सूरत हाल है वो नफ्सियाती सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा, कुछ और भी कमेंट्स आए मेरे पास, क्योंकि हम हर किसी कमेंट की जो है ना वो कदर करते हैं। एक भाई ने मुझसे अर्ज किया कि भाई आप जो है ना इन टॉपिक को छोड़ेंगे तो एक इल्मी गुफ्तगू है, आप हालात हाजरा पे बात करें ना कि जो आम रूटीन के अंदर वो चल रहा है। उन्होंने जवाब दिया, मैंने कहा जब तक आपकी बेसिक यानी आपका किबला दुरुस्त नहीं होगा तो आपकी नमाज कबूल नहीं है। जब तक आपकी बुनियाद ठीक नहीं हो, फाउंडेशन, एक घर जो होता है ना वो तब ज्यादा देर तक पायदार रहता है जब उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है। हर बिल्डिंग ऐसे ही बनाई जाती है, ठीक है ना, और फाउंडेशन कैसे बनेगी, फाउंडेशन बनती है उसूल से। उसूल जमा है असल की, असल जबान अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है जड़। जड़ें जब मजबूत होती हैं एक पौधे की और जब तरोताजा होती हैं, पानी और गजा उनको सही खाद सही मिल रही होती है, तो तब वो दरख्त तनावर दरख्त में तब्दील होता है। तो अभी हमें यहाँ पे जड़ें ठीक करनी है और जड़ों के लिए जरूरी है कि हम कुरान और अहले बैत का सहारा लें। बहरहाल वो जो कॉमेंट था या जो भी बात थी वो इस लिहाज से भी बिल्कुल बेमाना था और ला हासिल था, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें हर हाल में अहले बैत की बात माननी है, हमें रसूल खुदा की बात माननी है, हमें आम आदमी की बात नहीं माननी। आम आदमी अपनी एक वो मखलूक है, हमें खालिक की बात माननी है और खालिक ने कहा है कि इल्म हासिल करो कुरान और अहले बैत से, इनको अपना सरपरस बना लो। और जैसे कि हम अपनी वीडियो में भी बता रहे हैं कि मकसद हयात इंसान का ही होना चाहिए कि खुदा राजी हो, तो हमारा भी मकसद यही है कि हमारा खुदा राजी हो। हम हर किसी को राजी नहीं कर सकते बेशक, एग्जैक्टली हमारे भी मकसद की आदत यही है। जरूरी है कि आपके पास अच्छे अच्छे कमेंट्स ही आते रहे, आपको बुरे कमेंट्स भी आए और आने भी चाहिए, उनको ऐसा मतलब नहीं, ताकि लोगों की फिक्र भी वाजे हो कि हाँ भाई लोग किस सतह पे सोच रहे हैं। हर आदमी की सोचने की सतह अलग होती है कि हम कहाँ पे, ऐसा कौन सा ऐसा नुकता है जिसको पे बात करें, तो आप बिल्कुल खुल के कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय राय कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं अपने तौर पर। सो अब इसी के साथ साथ एक और नुकसान ये भी होता है, जैसे कि मजहबी तौर पे आप थोड़ा सा देख, आपको ये नजर आने लगता है कि मजहबी तौर पे चीजें जो है वो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। रूहानी तौर पे भी यही होता है कि आप मजलिस में कुछ देख रहे हैं और यहाँ कुछ देख रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन भी रहती है। तो अब हम एक और मसले, बहुत अहम मसला है। अब ठीक है, ये सारे नुकसान हमने देख लिए, मगर एक नुकसान और भी है जो नफसियाती नुकसान है। इस नफसियाती नुकसान से लोगों की जो मेंटल हालत है वो इंतहाई अबतर से अबतर होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है। वो जैसे हमने वो तस्करा किया कि वो एक इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं कि भाई जैसे लो सेल्फ एस्टीम आ गई, ये लोग खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, मगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये भी आ रहा है कि लोग नफसियाती मरीज बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो जब एक खुद नफसियाती मरीज बन जाते हैं तो वो माशरे में बोझ भी बन रहे हैं।
डिपेंडेंस डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है, और उस एक बंदे की वजह से अब 10 और लोग परेशान अजियत में आए हुए। तो ये भी एक नुकसान है बहुत बड़ा, जिसको हमें समझने की जरूरत है। हमें खालिक की मर्जी हासिल करनी है, मखलूक की नहीं। ये बार बार हमें बावर कराना है अपने लोगों को। एक आखिरी नुकसान जो कि सबसे अहम नुकसान आई थिंक इस तरह से हो जाएगा कि अगर आपने एक बुरी नस्ल पैदा कर दी, एक बुरी नस्ल अगर आप वजूद में ले आए, तो या तो वो औलाद आपकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का शिकार होगी, हो सकता है सुसाइड की तरफ चली जाए और चली जाए या ज़हनी बीमार हो जाए, ज़हनी बीमार हो जाए, वो एक नुकसान है, या नहीं वो ऐसा नफ्सियाती मरीज बन जाए कि वो फिर वो मतलब उसकी शादी हो, बच्चे हो, सब कुछ हो, मगर अब जो अजियत वो देगा उस आने वाली बीवी को या बच्चों को, क्योंकि उसने भी गलत तरबियत हासिल की हुई है चीजों की, गलत इंफॉर्मेशन, गलत नॉलेज उस तक पहुंची हुई है, कुरान और अहले बैत उस तक नहीं पहुंचे सही हकीकी मानव जैसे पहुंचने चाहिए थे, तो अब जो अजाब वो देगा अगली नस्ल को, और अब फिर वो अगली नस्ल को, तो ये जो एक रिपीटिशन चल रहा है, तो इसका अजाब भी याद रखिएगा उस ओरिजिनेटर पे जाएगा, और उसके अजाब में भी इजाफा होता चला जाएगा, जिससे वो ओरिजिन हुआ है, जिससे वो आगाज हुआ है उस अजाब का, वो उसके अजाब में बाईस इजाफा होगा। जिस तरह नेकियों में इजाफा होता है आपके किसी नेक काम की वजह से, आपके मरने के बाद भी बहुत सारे आपके, इसी तरह ये भी जारी और सारी रहेगा। तो अगर आप कुछ सवाल आपके जहन में रखें, पूछा है, मैं ये चाहूंगा कि कुछ रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर जो है ना हम लोग बात करें। जैसे मेरे दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो मिलते हैं, बात होती है, तो कुछ रियल लाइफ सिनेरियो को मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन रियल ठीक है। पहली चीज तो ये कि जैसे कि अक्सर आज के दौर में आपको पता है कि रोजगार मिलना कितना मुश्किल है, या रोजगार मिलता भी है तो वो बहुत कम सैलरी, बहुत कम लोगों की आमदनी होती है, खराजात ज्यादा है, लोग इसकी वजह से मजबूर है एक साथ ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब ज्वाइंट फैमिली में रहना एक चैलेंज है। पहले मुझे ये बताएं कि ये इस्लामी दौर पे, शरई दौर पे कुरान और अहले बैत हमें किस तरफ ज्यादा सपोर्ट करती है, ज्वाइंट फैमिली के अंदर या सेपरेट रहने में, ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में? असल में देखें, ज्वाइंट फैमिली या अलग रहना, दोनों सिस्टम्स पर बात करने से पहले हमें कुछ फाउंडेशन समझनी पड़ेंगी। इस्लामिक फाउंडेशंस क्या है? इस्लामिक फाउंडेशंस हमेशा हमें ये बता रही है कि ह्यूमन ऑटोनॉमी, यानी एक इंसान की खुद मुख्तारी, एक इंसान का इस्तेक्लाल, अपने ऊपर डिपेंडेंस, खुदी। खुदी क्या चीज है मुझे बताएं? खुदी का मतलब ये है कि मैं खुद, ठीक है ना, मगर ये खुदी वो वाली खुदी नहीं है कि जो इंसान को तकब्बुर की तरफ ले जाए, बल्कि ये खुदी वो है जो अल्लाह ने उसको अता की हुई है। मगर ये खुदी तब आती है जब इंसान अपने पांव पर खुद खड़ा हुआ हो, ठीक है ना, और ये खुदी वही है जो अल्लामा इकबाल के ला तादाद अशआर में आपको मिलेगी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि खुदी से क्या है, वो मेरे को कर बुलंद, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता दे रजा, हमें वहां जाना है रजा। ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आपको वहां नहीं ले जाने देगा। ज्वाइंट अगर मैं आपसे क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग के उन्मान से बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने मजीद के मुनाफी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं वालिदैन का एहतराम अपनी जगह, वालिदैन की इताअत सिर्फ उसी सूरत में कि जब कुरान और अहले बैत की इताअत है, वरना तो आपको पता है वाज़े कि इताअत अल्लाह और अहले बैत की। यहाँ पे वालिदैन खुदा ना खासा नेगेटिव माना ना ले, समझने की कोशिश करें क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग से कि एक इंसान की खुदी का मैसेज इस्लाम दे रहा है या ये कह रहा है कि उसको गुलाम और बंदा बना के रखो अपना बात। मैं एक तरफ और लोगों की तवज्जो करना चाहूंगा, कोई कि जिस वक्त आप ज्वाइंट फैमिली के अंदर रह रहे होते हैं तो बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो इस्लाम ने आपको पाबंद किया हुआ, आप उसको पामाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक अगर औरत है जो घर पर रह रही है, एक बीवी है किसी की, और उस घर के अंदर उस के शौहर का भाई भी रह रहा है और ससुर भी रह रहा है, बेपर्दगी के मामलात, साथ में रहने के और भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी तरफ जो है ना हमें इस्लाम तो बना करता है लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम मजबूर। लेकिन बज़ाहिर तारीखी तौर पर हमें यही पता चलता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़वाज थी सब अपना अपना घर था उनका, सब जुदा गाना थी अलग अलग, ठीक है। तो एक ये, और उसके अलावा हम अगर आइमा अलैहिस्सलाम की तरफ भी जाएंगे डेफिनेटली हमें ऐसी ही मिसालें मिलती हैं कि एक
प्राइवेट प्राइवेसी ऑटोनोमी हक है इंसान का, और इस्लामी उसूल इस बात की इजाजत भी नहीं दे रहे कि आप इन चीजों को पामाल करें। ठीक है ना, अगर चंद भाइयों भाई एक साथ रह रहे हैं घर में तो जाहिर है वहाँ खवातीन मुसलसल पर्दे की हालत में रहेंगी। अच्छा, अब इस चीज को हम अपने कल्चर में अपने रीजन में देखें, जो इलाके गर्म है गर्मी शिद्दत उरूज पर है वहां पर खवातीन को मजबूरन हिजाब में रहना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि कोई नामहरम सामने आ जाएगा, ठीक है ना, भाई शौहर का भाई आ जाएगा या कोई और। तो अब ये मुश्किलात है ना खवातीन के लिए, ये खवातीन को भी समझना चाहिए, तो खवातीन खुद यहाँ पे इन चीजों को समझने से कासिर हैं, और इसकी मेन वजह यही है कि जो इस्लामी तालीमात की रूह है जो वो उन तक नहीं पहुंची है, फाउंडेशंस ऑफ जो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है वो नहीं पहुंचे हैं अब तक। आपको ये मेन प्रिंसिपल्स अगर पता चल गए, 14 साल की उम्र कहा गया ना कि बच्चा 7 साल तक सरदार होता है, 7 साल के 14 साल तक जो गुलाम होता है और 14 साल से फिर वो आपका मुशीर होता है, तो मुशीर तब बनेगा, यानी मुशीर वो सिर्फ एक सूरत में बन सकता है कि आपको मशवरा देने की अहलियत पैदा हो जाए उसके अंदर। मशवरा देने की अहलियत उसमें कब पैदा होगी, आप उसको ग्रो करने का मौका देंगे ना, फर्स्ट 14 ईयर्स में आपने उसको पूरा ग्रो करने का मौका देना है, जब वो 14 साल में इतना खुद मुख्तार हो जाएगा, इतना बाइल्म भी हो जाएगा कि वो 14 साल की एज में आपको मशवरा देने के लायक हो जाए। मगर हमारा बच्चा ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उसको बनने ही नहीं दे रहे, हम उसको उसकी कैपेबिलिटीज को खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे 30-35 साल के बच्चे होते हैं, 50 साल के भी बच्चे हैं हमारे, बच्चे होते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, हम ये बच्चे होते हैं, शादियां नहीं हुई है 50-50 साल के, क्यों, कि पहले बहन की शादी होगी, बहन की शादी के इंतजार में बैठे बैठे वो बंदा 50 साल का हो चुका है और अभी भी वो अपनी अम्मा का बच्चा है, माँ अभी भी उसको बच्चा ही, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है और फला, मतलब हमें इस चीज का थोड़ा अंदाजा है, कुछ हवालों से कॉन्वर्सेशंस और कम्युनिकेशंस रही हैं, तो अफसोस होता है इन चीजों को देखकर। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो बिल्कुल सही है आपके, इसी तरह से एक और भी कुछ है। हाँ हाँ, आपकी बात तो आप करें पहले, नहीं आप बताएं। अच्छा, मैं वही टॉपिक जहाँ मैंने स्टार्ट किया था कि लोगों के पास रोजगार बहुत मुश्किल है मिलना है। और जो रोजगार मिल रहा है वो भी बहुत कम सैलरी मिल रही है, बिल्कुल। अक्सर लोग ऐसे अक्सर वालदैन ऐसे कि उनकी उस तनख्वाह पे राजी नहीं है, आए दिन के दाने देते हैं, हालांकि उनका अख्तियार नहीं है कि भाई अगर उनके अख्तियार में हो तो ज्यादा भी कमा के लाए, जब अगर वो जितना ला रहे हैं उतना आपको दे रहे हैं तो ज्यादा परवरदिगार उनको देगा तो ज्यादा भी ला के देंगे, लेकिन रोज के दाने देते कि इतनी कम सैलरी है, गुजारा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर लोगों का ये परसेप्शन कि हमने तुम्हें इस काबिल बना दिया, हमने तुम्हें खिलाया पिलाया पढ़ा किया, अब हमारी बारी है कि तुम जो है वो हमें पे बैक करो। तो इस सोच के अंदर कुरान और अहले बैत क्या कहता है इस चीज के ऊपर। अच्छा, मैं पर्टिकुलर चीजों को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि वो है जिनसे हमारे नाज़रीन भी जो है ना चीजों से गुजर रहे होंगे, लेकिन वही बात जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लोग इसको बात नहीं करते, या बात करते भी है तो बहुत पर्दे रखे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ओपनली इसके ऊपर बात की जाए। देखिये, वही फाउंडेशन की बात करूंगा दोबारा में, ठीक है। हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को, अकली और मंतिकी फिक्र को मुआशरे में लाने नहीं देते, बच्चों तक पहुँचने नहीं देते। क्लासरूम का यह हाल होता है, मैं तो खैर स्कूलिंग सिस्टम के भी खिलाफ हूँ, लेकिन क्लासरूम में क्या होता है, बच्चा सवाल करता है तो बच्चे को बिठा दिया जाता है, अक्सर असातिज़ा ऐसे ही है, बैठो कोई जरूरत नहीं है, क्या सवाल पूछ लिया ये, ठीक है ना। लेकिन क्या हमारे यहाँ भी यही माहौल है? नहीं, हमारे यहाँ माहौल कतअन नहीं है। हमारे यहाँ तो सलूनी सलूनी की सजा लगाई है इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कि पूछो जो पूछना है हमसे, ठीक है ना, और वो ऐसे शागिर्द और ऐसे उलमा भी छोड़ के गए हैं, पूछो तुम्हें जो पूछना है, जो तुम्हारे सवाल हैं हर सवाल का जवाब इस्लाम देगा, हर सवाल का जवाब मासूमीन ने दिया है। तो पहली बात तो ये कि हर चीज का सलूशन हमारे पास मौजूद है, तो इससे तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो। जहां तक रही बात इन चीजों की कि आप ये कह रहे हैं कि लोग राजी नहीं है, वालिदैन राजी नहीं है सैलरी से बच्चों की, तो भाई पहला कसूर यहाँ ये है कि अगर आपने बच्चे को फलने फूलने ही नहीं दिया, उसको अपने पाँव की जूती बना के रखा, उसको इंसल्ट करते रहे, उसको बनने ही कुछ नहीं दिया, तो ये तो पहले आपका कसूर है कि आपने उसको ग्रो नहीं करने दिया। अगर वो बच्चा 14 साल की एज में इस काबिल हो जाता कि इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखता, खुद से फैसले लेता, खुद से बातें करता और आपसे मशवरे भी लेता, आपको मशवरे देता भी, ठीक है ना, इस्लाम तो ये कह रहा है मशवरा लो उससे, मुशीर है वो आपका, तो जब वो इस काबिल ही नहीं रहा तो वो मुमकिन है कि वो अच्छी
जॉब ना कर सके या अच्छी तिजारत ना कर सके। अच्छा, ये एक मसला यहाँ तिजारत का भी है कि तिजारत पे हमारा फोकस नहीं है, बिजनेस पे हमारा फोकस नहीं है, ये मसला है। बरकत इसलिए भी बासीरों में नहीं होती है, या तो ये कि आप बिजनेस करें या फिर ये कि आप हाईली स्किल्ड हो, आपने कुछ ऐसे स्किल्स सीखे हुए हो कि जो जिसकी मार्केट रेट अच्छा हो, जिसमें सैलरी अच्छी मिलती हो, अच्छे तो आप वहां पर मेहनत करें। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि कनात कब पैदा होगी लोगों के अंदर। इमाम अलैहिस्सलाम की कई रिवायात में कनात के हवाले से है, कभी इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। इमाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी दौलत कनात है। जो आदमी अपने दो मुख्तसर से रोजी पर राजी हो जाए तो वो आदमी दौलतमंद है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि आप फकीर ही रहे हमेशा, ये कतअन मेरा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो दिया है उस पर तो रजा, उस पर तो शाकिर रहो, उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो मिल रहा है वो अल्लाह का शुक्र। सजदे करो, नमाज शब पढ़ो, नमाज शब रिस्क में इजाफे के लिए बहुत अहम चीज है। नमाज शब पढ़े, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल करें, चार दम मासूमीन से तवस्सुल रखें, और सबसे बढ़कर कुरान और अहले बैत की तालीमात पर अमल करें। वो सब चीजों का हल हमें बताकर गए हैं, लेकिन हम खुद बेअमल हैं। मसला ये है जब हम किसी की तजलील करें, तहकीर करें, बच्चों की खास तौर पर बात हो रही है, हमारा तनाजुर इस वीडियो का इस वक्त यही है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान, वालिदैन और औलाद के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्यों डिस्टर्बिंग है, क्यों खराब है। तो हम किसी पौधे की तरफ अगर निगाह करेंगे तो शाखों पर लगे हुए सड़े हुए फल हमें ये बताएंगे कि इस पौधे की जड़ खराब है। तो वालिदैन जरा दिल बड़ा करें और इन बातों को सुनने की हिम्मत पैदा करें कि हम ये देखेंगे अगर औलाद खराब है, औलाद में मसाइल हैं, तो हम पलट कर जाएंगे नीचे की तरफ कि जड़ खराब है। एन मुमकिन है कि जड़ भी ठीक हो, एन मुमकिन है, बहुत सारे केसेस में जड़ ठीक हो सकती है, ठीक है ना। कई कई जगहों पर मोहल्ले में गलत कंपनीज मिल जाती हैं बच्चों को, गलत सोहबतें मिल जाती हैं बच्चों को, मगर उसमें भी किसी न किसी हद तक वालिदैन का कसूर इसलिए भी होता है कि वालिदैन नजर क्यों नहीं रखे हुए बच्चों पे, या वालिदैन बच्चों को बचपन में ही इस काबिल क्यों नहीं बना रहे फिक्री तौर पर कि सही और गलत में क्या फर्क है। अगर सही और गलत में डिसीजन नहीं ले पा रहा बच्चा तो इसका कसूर किसकी तरफ जाएगा। आप बच्चे को तो आपको हक और बातिल में फर्क करने की तमीज सिखाना है, आप ये नहीं सिखाएंगे तो फिर आप नुकसान बर्दाश्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ चीजें देखिए, कुछ चीजें हैं जिसमें हम बात करना चाहेंगे। ये एक लुब्बे लबाब और एक सबसे अहम सेक्शन है इस वीडियो का, और इस ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये नारफे अव्वल है ना आखिर। सॉल्यूशंस पे बात करें, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या अब ऐसा हम कर सकते हैं कि इन मसाइल को हल करें। तो देखिये, सबसे पहली चीज है इल्म हासिल करना और कम्युनिकेशन को बेहतर करना, सही, ठीक है ना। इल्म कहाँ से मिलेगा वो हम तय कर चुके, अगर हम तय कर चुके, अगर तय कर चुके कि कुरान और अहले बैत है तो वही इल्म का मेन मजदर और मंबा है, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे लिए कुरान और अहले बैत है। कुरान और अहले बैत पे फोकस करना होगा, जैसे इमाम अली फरमाते हैं कि तुम्हारा शब और रोज का साथी कुरान को होना चाहिए, और इसी तरह अहले बैत को फॉलो करें, उनकी जिंदगी को देखें। ये पहली चीज है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आप इस नतीजे पर पहुंच गए, उसूल दीन की बहस मुबाहिसा इल्मी इस्तेखराज करके नतीजे निकाल के कि भाई हाँ कुरान और अहले बैत है, अब इसी पे अमल करना है, तो ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसाइड हो गया। ये पहला आपका स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? अमल करना है, जो हम हासिल किया है उस पर अमल करना है। और तीसरा स्टेप क्या है? करेज के साथ अमल करना है, तवक्कुल अल्लाह रखना है, और अब इस्लाम में आगे बढ़ना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इल्म हासिल हो जाए तो अमल करो और आगे बढ़ जाओ, किस चीज का इंतजार है, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप है। फिर अगला स्टेप वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, ये एक कंबाइंड स्ट्रेटजी है जिसमें दोनों तरफ से हमें एक विलिंगनेस चाहिए, एक इरादा चाहिए, ओपन डिस्कशन। वालिदैन बच्चों के साथ बैठे, एक रिस्पेक्टफुल, एक साइंटिफिक कह लें या उसको लॉजिकल एंड क्रिटिकल डिस्कशन रखें। बच्चे अपनी बात करें, बड़े अपनी बात करें, दोनों अपने अपने दलाइल से बात करें, ठीक है, दोनों अपने अपने इल्म के मुताबिक बात करें। और इन तमाम चीजों का मंबा घूम फिर के कहाँ जाएगा? कुरान और अहले बैत पे जाएगा। कुरान और अहले बैत से
साबित करने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, यहाँ पे ये चीज बताई गई है, इसका क्या मतलब है? खुद समझ में नहीं आ रहा तो किसी थर्ड पार्टी अच्छे आलम दीन को, जो एक बहुत सुलझा हुआ काउंसलर हो, आलम दीन हो, रिलीजियस स्कॉलर हो, बाईमान हो, मुखलिस हो, ठीक है ना, वो उससे रब्ता करें, जो भी आपको मिले उससे रब्ता, उससे पूछें तो आपकी वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन कुरान और अहले बैत की अक्सर चीजें इंतहाई वाजे हैं। सूरतुल हुजरात मैं रेकमेंड करूंगा लोगों को, सूरतुल हुजरात जाके पढ़ें, और उसमें मताले को जाके पढ़ें तो सही है, आपके एवरीडे जो अफेयर्स हैं उनके हल के लिए कितनी आसान चीजें, बुरी चीजों को बजाहिर बताया है परवरदिगार ने कि ये मत करो, भाई वाजे अंदाज में लिखा है कि गीबत मत करो, गीबत ऐसा ही है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, ये उसकी ग्रेविटी बता दी, कितना बुरा है, इतनी बुरी चीज है गीबत करना, छोड़ दो उसको, जब छोड़ोगे तो तुम्हें उसके अच्छे नतायज मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे पयामात हैं, कुरान और अहले बैत नंबर वन चीज है हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, और उसी के साथ साथ वालदैन की ओपन डिस्कशन होनी चाहिए बच्चों के साथ, हर मामले पे डिस्कशन रखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एम्पैथी एक लफ्ज है जो कि हमारे यहाँ को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हम कभी, ना उसको बरतते हैं। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझें, वालदैन बच्चों की तरफ जब निगाह करें तो ये जरूर सोचें कि कभी वो खुद भी बच्चे थे, ठीक है, और जो काम उनके वालदैन ने उनके साथ किया क्या उनको अच्छा लगता था या बुरा, अगर अच्छा लगता था तो आगे उसको बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाने से पहले ये देख लें कि अहले कुरान और अहले बैत के स्टैंडर्ड्स पे था या नहीं था, क्योंकि अगर आपको कुछ चीज अच्छी भी लग रही तो हो सकता है आलूदा हो, आपका जहन आलूदा हो सकता है, आपको वो मालूम ना हो कि ये चीज सही थे। एक जाहिलियत ये होती है कि जो इंसान मतलब ये ना जानता हो कि नहीं जानता, मैं आसान कर दूं कि मिसाल के तौर पे मैं किसी को बच्चों को डंडे से पिटाई लगाते वक्त ये सोचूं कि ये गुनाह का काम नहीं है, मेरे जहन में ये ख्याल है, मैंने कभी कहीं कुरान में भी नहीं पढ़ा, ना हदीस में भी पढ़ा, ना सीरत रसूल पढ़ी, मगर मैं समझ रहा हूँ कि नहीं ये मारना कोई ये सही है, ये हक बनता है मेरा, मतलब जो भी तो, लेकिन उसको ये बेचारे को मालूम ही नहीं ये काम गलत है, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है ना। हमें उस जगह तक पहुंचना है कि जहां हम ये कहने के काबिल हो जाएं, ये सोचने के काबिल हो जाएं कि हाँ यार मुझे ये मालूम है कि ये काम ठीक नहीं, ये पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट का। जब आप एक्नॉलेजमेंट पे आते हैं तो फिर अगला स्टेप आपका ये होता है कि चुप चलो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज राइट, ठीक चीज क्या है, उसको ढूंढना है, तो वो कौन बताएगा, कुरान और अहले बैत, दोबारा वही आएंगे, ठीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब हजरत ईसा अलैहि सलाम से भी ये जुमला हमें मिलता है तारीखों में कि दूसरों के साथ वही रवैया इख्तियार करो कि जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ इख्तियार करें, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। बच्चों के साथ भी आप वही रवैया इख्तियार करें जो चाहते हैं आपके आपके बच्चे आपके साथ रवैया इख्तियार करें, या आपके वालिदैन ने आपके साथ अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आपको ये ख्वाहिश हो कि यार ऐसे ही रवैया इख्तियार, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक आईना है, इस आईने में आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप एक काम को अंजाम देने से पहले दस दफा सोचेंगे कि यार क्या मैं यही पलट कर मेरी तरफ आएगा। तो सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है, ये तीसरा या चौथा आई थिंक मेरे ख्याल से सोल्यूशन है हमारा जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सोल्यूशन मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी तवज्जोहात मुसलसल इल्म हासिल करने की तरफ होनी चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का ये फॉर्मूला जिसको जापान ने काइजन के नाम से बड़ा इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के दो दिन एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि उसका हर आने वाला दिन इंप्रूवमेंट की तरफ होता है, वो पहले हर आने वाले दिन में यानी आज वो गुजरे हुए कल से बेहतर महात्मा करे, अपने आप को बेहतर करे, क्रिटिकल स्किल्स को बेहतर करे, कुरान मजीद और कुरान मजीद और अहले बैत से इस्तेफादा करे, अच्छे उलमा से इस्तेफादा करे, अच्छे लोगों की सोबत में रहे, उलमा को ज्यादा से ज्यादा सुनने का मुश्ताक रहे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद वालिदैन, अब ज़ाहिर है हम जब कुरान और अहले बैत की तरफ चले जाएंगे ना तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग हम शायद वहां तक इतना डिटेल में ना जाए, मैं एक बात कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन एहतियातन में एक तीन मराहिल जो हमें बताए गए रिवायात के जरिए कि देखो अभी पहले 7 साल बच्चा तुम्हारा बादशाह होता है, सरदार होता है, और अगले 7 साल में वो तुम्हारा गुलाम होता है, मगर ये मतलब नहीं है गुलाम का कि उसकी फैटी चला दो, उसकी पिटाई लगा दो, मतलब ऐसा भी मतलब नहीं है खुदा ना खासा, गुलाम होने से मुराद यही कि वो जाहिर है कि तुम्हारे वो अंडर में है, अब तुम उसको सिखा रहे हो, बता रहे हो, काम करवा रहे हो, उससे जो भी है, मगर वो उसकी कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए
कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह ताला किसी को उसकी इस्तेदाद से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। तो जब अल्लाह नहीं डाला तो हम और आप कौन हो गए? हम बच्चे के ऊपर इतना काम क्यों लागू हो? खुदा ना खास्ता, ये मैं मेरे ध्यान में चीजें आती जा रही है, मैं बताता चला जा रहा हूँ, वरना मुझे पता है कि कंफ्यूजन होती है, बाद लोग फिर गलत से गलत मतलब निकाल लेते चीजों का। तो हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है, पहले 7 साल, अगले 7 साल और 14 साल की एज में वो आपका जब मुशीर बन गया तो बाउंड्री क्रिएट कर दीजिए, उससे पहले उसकी ऐसी तरबियत कर दीजिए कि वो आपका मुशीर बनने की सलाहियत पाले, और उसके बाद आपका मुशीर जब बन जाए तो उसको मुशीर की तरह ट्रीट करें, एहतराम करें उसका, एहतराम करें उसका। मैं बार बार बोल रहा हूँ एहतराम करें, हमारे यहाँ एहतराम नहीं होता, हम बच्चों का एहतराम नहीं करते। ये हर जगह मैंने इसको जो है वो नोटिस किया है, हर जगह नोटिस किया है, बच्चों का एहतराम नहीं करते। बच्चों को हमने जो है वो गुलाम बना के रखा हुआ है, बाज़ वक़्त कामों के लिहाज से या फिक्री लिहाज से भी उसको हम ग्रो नहीं करने दे रहे। गिव हिम हिज स्पेस, गिव हिम द किड हिज ओन स्पेस। हमने एक बार दफा बात की थी ना आपसे कि जैसे एक पौधा जब हम उगा रहे होते हैं बाग के अंदर, तो अगर वो 10-20 पौधों के दरमियान घिरा हुआ हो तो उसको स्पेस नहीं मिलती, वो मुरझा जाता है, धूप नहीं उस तक पहुंचती, हवा नहीं पहुंच रही होती और उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक पौधे को एक मुनासिब मकाम पे, जैसे जैसे आप खेतों में जाएं तो खेतों में बीज एक तरीके से लगे हुए होते हैं, एक फासले से लगे होते हैं, और हर पौधा उसको एक स्पेस मिलता है, अपनी खुद ही मिलती है उसको ग्रो करने की, वो एक सेल्फ ऑटोनॉमी उसको मिलती है, उसमें वो ग्रो करता है, प्रोग्रेस करता है, फलता फूलता है, और फिर रिजल्ट उसका आप आंखों के सामने होता है, फ्लरिश करता है वो। और फिर दोबारा आखिरी पॉइंट मैं रिपीट ही करूंगा इसको, जो कुरान और अहले बैत और अच्छे उलमा के लिए हमेशा सरगर्दान और जस्तजू में रहें, ढूंढें अच्छे लोगों को, अच्छे लोग अच्छी बात कहीं से भी मिले उसको लें, मगर उसको हमेशा परखें कुरान और अहले बैत की रोशनी में, अपने क्रिटिकल और लॉजिकल स्किल्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हल ना हो सकता हो, हम इसमें कोई मायूसी की बात नहीं है, हम बहुत पुरउम्मीद हैं इंशाल्लाह कि मसले हल होंगे, मगर ये कि मसलों को हल करने के लिए डिस्कशन उसका पहला स्टेप हो। बहुत शुक्रिया भाई तीन आजीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा, आपसे कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके समझ ना आ रही हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप मजीद तफसील से डिस्कस करना चाह रहे हो तो हमें लाजमी बताइएगा। और फिर वही वाली बात कि ये आज का ये हसास टॉपिक या ये बुनियादी एक ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने की वजह हमने महसूस की तो इसको आज डिस्कस किया, और जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक वीडियो के अंदर या दो वीडियो के अंदर इसको कम्प्लीट नहीं किया जा सकता। एक बिल्कुल बेसिक एक चीज़ थी ऊपर ऊपर से जो हम कर सके, उन चीज़ों को हाईलाइट किया हमने, और इंशाल्लाह फर्दर आगे जाके इसके ऊपर मजीद भी बात की जा सकती है। अगर आपकी फीडबैक आएगी और आपको जरूरत महसूस हुई तो हमें जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के अंदर फिर से आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। और मेरे मेहमान सैयद अहमद, शुक्रिया, और मुझे सैयद मोहम्मद अज़ीज़ जाफ़री को जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।